हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम एंड दिस इज सोनम सांगवान। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का थ्योरी ऑफ कस्टम यूनियन। बेसिकली कस्टम यूनियन क्या होता है, दैट इज अ लेवल और डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में क्या होगा कि कुछ नेशंस आपस में मिलके एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं जस्ट टू ईज ट्रेड, कि जो उनके बीच में ट्रेड के ऊपर जो भी बैरियर्स होते हैं, वो टैरिफ बैरियर्स भी हो सकते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हो सकते हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए या फिर एलिमिनेट करने के लिए वो एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो कस्टम यूनियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की ही एक डिग्री है, उसका ही एक लेवल है जिसकी हम बात करेंगे आज। बेसिकली अ कस्टम यूनियन अलाउज नो टैरिफ और अदर बैरियर्स ऑन ट्रेड अमंग मेंबर्स एंड अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म कमर्शियल पॉलिसी अगेंस्ट द नॉन मेंबर्स, कि जो भी यूनियन के मेंबर होंगे उनके बीच में जो भी ट्रेड बैरियर्स होंगे उनको तो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन जो भी नॉन मेंबर कंट्रीज होंगे यानी जो यूनियन के मेंबर्स नहीं है उनके अगेंस्ट सभी मेंबर मिलकर एक यूनिफॉर्म यानी एक सेम कमर्शियल एक्सटर्नल पॉलिसी वो अडॉप्ट करेंगे। तो कस्टम यूनियन इज अ मोर एडवांस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देन फ्री ट्रेड एरिया। अब फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ब्रीफ में हम सारे लेवल या सारी डिग्री की बात करेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले फ्री ट्रेड एरिया आता है। फ्री ट्रेड एरिया मतलब कि जो भी मेंबर्स कंट्री होंगी उनके बीच में जो भी ट्रेड बैरियर्स होंगे उनको अबोलिश कर दिया जाएगा। सेकंड स्टेप आता है, सेकंड डिग्री आती है कस्टम यूनियन, जिसमें फ्री ट्रेड तो होगा ही मेंबर्स के बीच में, लेकिन जो भी नॉन मेंबर्स कंट्री होंगी उनके अगेंस्ट एक कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी बाय मेंबर्स ऑफ यूनियन। थर्ड स्टेप पे चलते हैं हम, कॉमन मार्केट। दो फीचर तो हमारे एज इट इज कस्टम यूनियन के कंटिन्यू रहेंगे ही, फ्री ट्रेड अमंग मेंबर्स एंड कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी अगेंस्ट द नॉन मेंबर कंट्रीज। अब साथ में क्या ऐड हो जाएगा इसमें, फ्री फैक्टर मोबिलिटी विद इन द कॉमन मार्केट, कि कौन जो भी मेंबर्स कंट्री होंगी उनके बीच में फ्री मूवमेंट होगा लेबर एंड कैपिटल का यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। नेक्स्ट स्टेप इकोनॉमिक यूनियन, फ्री ट्रेड अमंग मेंबर्स, कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी, फ्री फैक्टर मोबिलिटी एंड यूनिफॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसी, कि जो भी मेंबर्स कंट्री होंगी वो एक यूनिफॉर्म यानी सेम नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करेंगी, जैसे फिस्कल पॉलिसी है या मॉनेटरी पॉलिसी है, वो सभी यूनिफाइड होंगी सभी मेंबर्स कंट्रीज के लिए। एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसमें फ्री ट्रेड अमंग मेंबर्स, कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी, फ्री फैक्टर मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यूनिफॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ऑल द मेंबर्स आर बाउंड बाई सुपर नेशनल अथॉरिटी, सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जस्ट एज एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेज। तो ये होता है हमारा फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। हमारा मेन जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है आज का, दैट इज कस्टम यूनियन। बेसिकली इकोनॉमिस्ट जैकब वाइन ने उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी अपने 1950 के अंदर, द कस्टम यूनियन इश्यूज। उन्होंने क्या कहा था कि कस्टम यूनियन कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ फ्री ट्रेड विद एलिमेंट्स ऑफ ग्रेटर प्रोटेक्शन, कि फ्री ट्रेड तो होता ही है लेकिन उसमें एक साथ में एक ग्रेटर प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्शन का एलिमेंट भी कंबाइन होता है। प्रोटेक्शन किसका, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का, एंड इट मे आइदर इम्प्रूव और वर्जन रिसोर्स एलोकेशन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर डिपेंडिंग ऑन द रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ्स ऑफ ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन, कि जो भी कस्टम यूनियन फॉर्म होने से, फॉर्मेशन से जो रिसोर्स एलोकेशन है या इकोनॉमिक वेलफेयर है नेशंस का वो इम्प्रूव भी हो सकता है और वर्जन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ्स ऑफ ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। ये है दो मेन स्टैटिक इफेक्ट ऑफ कस्टम यूनियन, ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन, जो अल्टीमेटली नेशनल इकोनॉमिक वेलफेयर को अफेक्ट करेंगे। तो इनकी हम बात करते हैं डिटेल में कि ट्रेड क्रिएशन क्या होता है, ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है, इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रेड क्रिएशन की। ट्रेड क्रिएशन मतलब कोई नया ट्रेड क्रिएट होना आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन, कि नया ट्रेड क्रिएट होगा, कंजप्शन बढ़ेगा, इकोनॉमिक वेलफेयर इंप्रूव होगा। बेसिकली तो बेनिफिशियल होता है ट्रेड क्रिएशन कि व्हेन सम डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन अ नेशन दैट इज अ मेंबर ऑफ द कस्टम यूनियन इज रिप्लेस्ड बाय लोअर कॉस्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम अनदर मेंबर नेशन, कि नया ट्रेड क्रिएट होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन, कि आप जो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन, पहले आप किसी चीज को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन कस्टम यूनियन के बाद आप मेंबर कंट्री से वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम चीज आप लोअर कॉस्ट के ऊपर इंपोर्ट कर रहे हो, तो बेसिकली डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिप्लेस हो रहा है लोअर कॉस्ट इंपोर्ट से, तो आपकी कहीं ना कहीं सेविंग हो रही है, तो इकोनॉमिक वेलफेयर आपका इंक्रीज हो रहा है कि नया ट्रेड आपकी दोनों मेंबर कंट्रीज के बीच में क्रिएट हो रहा है, राइट।
तो इसको बोलेंगे हम ट्रेड क्रिएशन। एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल दो कंट्री है, कंट्री ए एंड बी। कंट्री ए के अंदर जो कमोडिटी एक्स है उसका जो प्राइस है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम मान के चल रहे कि प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो सेम है हर पर्टिकुलर कंट्री में और कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे नहीं है। तो प्राइस ऑफ एक्स दैट इज 25 रुपीज पर यूनिट एंड कंट्री बी के अंदर प्राइस ऑफ एक्स है 20 रुपीज पर यूनिट। तो बिफोर कस्टमर की बात करते हैं, तो कंट्री ए अपना प्रोडक्शन कर रही है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रही है, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही है। कैसे? बाय इम्पोजिंग अ टैरिफ ऑफ 6 रुपीज पर यूनिट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ बी। वो 6 रुपए वहां पे टैरिफ इम्पोज कर रही है जिससे प्राइस इंक्रीज होके एक्स का इम्पोर्टेड इम्पोर्ट्स का कितना हो जाता है 20 + 6 = 26 रुपीज। तो बेसिकली वो प्रोडक्शन दे रही है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बाय इम्पोजिंग टैरिफ, राइट। अब कस्टम यूनियन का फॉर्मेशन होता है, दोनों मेंबर्स बन जाते हैं कस्टम यूनियन के। कस्टम यूनियन में सारे जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो जो ये टैरिफ था हमारा 6 रुपीज पर यूनिट, इसको हटा दिया जाएगा। अब वही चीज हो क्या होगी, इसको सेम कितने पैसे कितने रुपए में मिलेगी, 20 रुपीज पर यूनिट में इसको मिलेगी, इम्पोर्ट्स मिलेगी। तो अब वो क्या करेगा, कंट्री ए उस चीज को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस ना करके कंट्री बी से इम्पोर्ट करेगा। तो इन दोनों कंट्री के बीच में एक ट्रेड, नया ट्रेड क्रिएट हुआ, दैट इज ट्रेड क्रिएशन, जिसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। देखिए यहाँ पे DD1 है, दैट इज डोमेस्टिक डिमांड कर, SS1 डोमेस्टिक सप्लाई कर, PP1 इज द सप्लाई कर ऑफ कंट्री बी, दैट इज जो फॉरेन कंट्री है, दैट इज अज्यूम टू बी परफेक्टली इलास्टिक फॉर सिंपलिसिटी। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं जो कंट्री ए है वो टैरिफ इम्पोज करती है ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ बी, दैट इज PT पर यूनिट, ये टैरिफ लगाती है जिससे प्राइस जो होगा जिस कंट्री बी के प्रोडक्ट का, एक्स कमोडिटी का, दैट इज OT, ठीक है। तो उस OT प्राइस के ऊपर बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन, नेशन जो ए है उसका डोमेस्टिक कंजप्शन क्या होगा, टोटल कंजप्शन होगा OQ3, और उस OT प्राइस पे डोमेस्टिक सप्लाई कितनी है OQ2। तो ये जो Q2 Q3 है ये होगा टोटल इम्पोर्ट फ्रॉम बी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन। अब दोनों कंट्री मिलके आपस में कस्टम यूनियन फॉर्म कर लेती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अब ये टैरिफ जो है वो रिमूव यानी अबोलिश कर दिया जाएगा, अब प्राइस होगा OP। अब OP प्राइस के ऊपर जो विदाउट टैरिफ वाला प्राइस है, जो ए की डिमांड होगी OQ4 और ए की डोमेस्टिक सप्लाई होगी OQ1, तो ये जो डिफरेंस होगा Q1 Q4 ये होगा टोटल इम्पोर्ट फ्रॉम बी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन। सो हेयर वी कैन सी द टोटल गेन टू द कंज्यूमर्स ऑफ ए इज द एरिया PEFT, ये सारा एरिया होगा टोटल गेन टू द कंज्यूमर्स ऑफ ए आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन। लेकिन ये अकेला सारा गेन नहीं है, बेसिकली इसमें से क्या होगा, नेट गेन हम देखते हैं कितना होगा। इस टोटल एरिया में से आउट ऑफ विच लॉस ऑफ, दैट इज PAZT, दैट इज लॉस ऑफ लॉस टू द प्रोड्यूसर सरप्लस, जो कंज्यूमर्स के पास जाती है, ये है प्रोड्यूसर को लॉस होता है, सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस होगा PAZT। एंड दिस वन एरिया BCFG, दिस इज लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, टैरिफ रिमूव करने के बाद ये जो टैरिफ का कलेक्शन गवर्नमेंट के पास जाता है उसका लॉस होगा। तो बेसिकली जो नेट गेन होगा दैट इज ओनली दिस वन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FECEF, ये दोनों ट्रायंगल होंगे जो नेट गेन होगा, नेट गेन टू द कंज्यूमर्स ऑफ कंट्री ए, ट्रायंगल ABG एंड ट्रायंगल CEF। जो ट्रायंगल ABG है वो दिखाती है प्रोडक्शन इफेक्ट को, प्रोडक्शन इफेक्ट ऑफ ट्रेड क्रिएशन बेसिकली इन फॉर्म ऑफ सेविंग ऑफ रियल कॉस्ट ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन दैट इज रिप्लेस्ड बाय इम्पोर्ट्स, कि हम डोमेस्टिकली प्रोडक्शन को रिप्लेस करते हैं इम्पोर्ट से, जो भी हमारी सेविंग होती है, कॉस्ट की सेविंग होती है, दैट इज ट्रायंगल ABC। और ट्रायंगल जो CEF है ये दिखा रही है कंजप्शन इफेक्ट को, कंजप्शन इफेक्ट ऑफ ट्रेड क्रिएशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ नेशन ए, कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन जो प्राइस कम होने की वजह से, टैरिफ हटाने की वजह से जो नेशन ए के कंज्यूमर्स का जो कंजप्शन बढ़ जाता है इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन इफेक्ट, वो हम दिखा रहे हैं। तो बेसिकली ये दोनों होंगे नेट गेन टू द कंज्यूमर्स ऑफ कंट्री ए। अब बात करते हैं ट्रेड डाइवर्जन की। तो ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है, बेसिकली जैसे ट्रेड क्रिएशन की हमने बात की, ट्रेड क्रिएशन रेफर टू न्यूली क्रिएटेड ट्रेड बिटवीन द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द कस्टम यूनियन। लेकिन ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है, इट रेफर्स टू सम ओल्ड ट्रेड बीइंग डाइवर्टेड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री टू अ मेंबर कंट्री, राइट। तो व्हेन लोअर कॉस्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड द कस्टम यूनियन आर रिप्लेस्ड
बाई द हायर कॉस्ट इम्पोर्ट फ्रॉम अ यूनियन मेंबर, कि कस्टम यूनियन बनने के बाद आपको मेंबर कंट्री से आप इम्पोर्ट्स कर रहे हो, जो कि जिसकी डोमेस्टिक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू हम पहले जिस कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे थे उससे. बट कस्टम यूनियन के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी मतलब एज पर रूल्स हम हायर कॉस्ट इम्पोर्ट जो कंट्री है हायर कॉस्ट प्रोडक्शन वाली वहां से इम्पोर्ट कर रहे हैं. तो बेसिकली ट्रेड डाइवर्ट हुआ फॉरन कंट्री टू मेंबर कंट्री. राइट, देखिए हम एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको मैं, कि मान लीजिए कंट्री ए बी एंड तीन कंट्री हमारे पास है, कंट्री ए बी सी. कंट्री ए टैरिफ इम्पोज करती है 100%. राइट, कंट्री बी के अंदर जो प्राइस ऑफ वाई है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाई है दैट इज 60 रुपीज पर यूनिट, एंड कंट्री सी में दैट इज 50 रुपीज पर यूनिट. अब बिफोर कस्टम यूनियन की बात कर रहे हैं, तो कंट्री ए अगर बी से इम्पोर्ट करती है तो 100+ टैरिफ प्लस ये जो प्राइस है 60+60 120 में उसको प्रोडक्ट पड़ेगा. राइट, कंट्री सी से 50+50 100 रुपीज में. तो कंट्री ए अब बिफोर कस्टम यूनियन की बात करें तो कंट्री सी से इम्पोर्ट करेगी क्योंकि उसको लो प्राइस के ऊपर वो चीज अवेलेबल हो रही है. अब सुपोज कर लेते हैं कि कंट्री ए और बी कस्टम यूनियन फॉर्म कर लेते हैं आपस में. अब कस्टम यूनियन बनने के बाद जो टैरिफ रेट्स हैं जो भी वो हटा दिए जाएंगे, तो यहाँ पे फिर जो प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी का जो प्राइस होगा दैट इज 60 रुपीज, यानी 60 रुपीज में उसको वो चीज अवेलेबल हो जाएगी ऑन इम्पोर्ट. तो अब कंट्री ए अपना आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन कंट्री ए अपना ट्रेड डाइवर्ट कर देगी फ्रॉम कंट्री सी टू कंट्री बी, जो कि एक हाई कॉस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री थी जिसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो हाई थी कमोडिटी वाई की. ठीक, दैट इज ट्रेड डाइवर्जन. अब ट्रेड डाइवर्जन को डायग्रामेटिकली हम देखेंगे क्या इफेक्ट्स आते हैं ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर. यहाँ पे देखिए आप DD1 है दैट इज डोमेस्टिक डिमांड कर, SS1 डोमेस्टिक सप्लाई कर, CC1 इज सप्लाई कर ऑफ कंट्री सी, एंड BB1 इज सप्लाई कर ऑफ कंट्री बी दैट इज आर दैट आर अज्यूम्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक. तो कंट्री सपोज करते हैं कि कंट्री ए है वो टैरिफ इम्पोज करती है CT पर यूनिट ऑफ वाई इम्पोर्टेड, इतना टैरिफ इम्पोज करती है जितना भी वाई इम्पोर्ट करती है पर यूनिट पे. तो अगर यहाँ पे अब कंट्री CT इम्पोज करने के बाद कंट्री बी का जो सी का प्रोडक्ट है उसकी प्राइस जाता है OC+CT यानी OT प्राइस पे. ठीक है, कंट्री बी का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस जाता है OB+CT यानी ऑजेट प्राइस पे. तो बेसिकली अब वो कंट्री ए किससे इम्पोर्ट करेगी, कंट्री सी से, क्योंकि कंट्री सी से उसको लो प्राइस पे अवेलेबल हो रही है एज कम्पेयर टू कंट्री बी से जो कि ओजेड पे मिल रहा है. अब डिमांड फॉर वाई इन कंट्री ए एट ओटी प्राइस इज OQ3 एंड डोमेस्टिक सप्लाई इज OQ2. तो दो टोटल इम्पोर्ट्स होंगे Q2 Q3, ये इम्पोर्ट्स होंगे फ्रॉम कंट्री सी. राइट, अब ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ Q2 Q3 जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा दैट इज ये वाला पार्ट होगा FGRU, ये सारा पार्ट होगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन थ्रू टैरिफ. अब हम सपोज करके चलते हैं कि कंट्री ए कस्टम यूनियन फॉर्म कर लेती है कंट्री बी के साथ बेसिकली. तो अब कंट्री बी पे अगर कस्टम यूनियन बनने के बाद जो टैरिफ है वो हटा दिया जाएगा, अब वो प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो होगा OB, सिंपली जो ओरिजिनल प्राइस है उसका डोमेस्टिक प्राइस है. अब OB प्राइस के ऊपर बेसिकली अब कंट्री ए है वो सी से इम्पोर्ट नहीं करेगी क्योंकि उसका प्राइस उसको ज्यादा है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन. अब वो बी से उन्होंने अपना ट्रेड डाइवर्ट कर दिया फ्रॉम कंट्री सी टू कंट्री बी. अब OB प्राइस के ऊपर जो डिमांड है डोमेस्टिक दैट इज OQ4 एंड डोमेस्टिक सप्लाईज OQ1. तो इम्पोर्ट होंगे Q1 Q4. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल गेन इन कंज्यूमर सरप्लस इज TBPR, ये वाला एरिया TBPR, ये टोटल गेन टू कंज्यूमर सरप्लस होगा. ठीक है, बट दिस इज नॉट द ओनली गेन, बेसिकली नॉट ऑल ऑफ दिस इज ए नेट गेन टू द कंट्री बिकॉज अ पार्ट ऑफ दिस गेन टू द कंज्यूमर्स रिप्रेजेंट द टोटल लॉस टू द प्रोड्यूसर सरप्लस दैट इज TBMU, ये टोटल लॉस टू प्रोड्यूसर सरप्लस होगा दैट इज लॉस्ट बाय प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर्स. एंड अनदर पार्ट दिस वन UNKR, इट रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ टैरिफ रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट, ये टोटल लॉस होगा. तो बेसिकली द टोटल लॉस ऑफ टैरिफ रिवेन्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय FGRU, ये टोटल लॉस है टैरिफ रिवेन्यू का. लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन एंड द अबोल्यूशन ऑफ टैरिफ कंज्यूमर गेन्स ओनली अ पार्ट ऑफ इट दैट इज UNKR, ये कंज्यूमर्स के हिस्से जाएगा. जो रिमेनिंग पार्ट है NKZF दैट रिप्रेजेंट्स लॉस टू द कंट्री बिकॉज ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम अ लो कॉस्ट सोर्स दैट इज कंट्री सी टू अ हाई कॉस्ट सोर्स दैट इज कंट्री बी.
ठीक है। तो हम शिफ्ट हुए हैं लो कॉस्ट सोर्स से और हाई कॉस्ट सोर्स की तरफ, सी से बी की तरफ इंपोर्ट हमारे शिफ्ट हुए, उसकी वजह से ये टोटल लॉस होगा कंज्यूमर ऑफ कंट्री ए को। बट एंड दिस इज द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ ए कस्टम यूनियन, जो कि वाइनर ने डिस्क्राइब किया था ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट में। बट दिस इज नॉट द ओनली इफेक्ट, दो बेनिफिशियल इफेक्ट भी होंगे। एक पॉजिटिव प्रोडक्शन इफेक्ट होगा हमारा, दिस वन, ये जो ट्रायंगल है MUN, और एक हमारा पॉजिटिव कंजप्शन इफेक्ट होगा, दैट इज ट्रायंगल KPR। अब डिपेंड करेगा उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, अगर इन दोनों ट्रायंगल का सम इस एरिया से ज्यादा है तो ट्रेड डाइवर्जन एक्चुअली रिजल्ट्स इन द नेट सोशल गेन। ऑन द अदर हैंड, इफ सम ऑफ द दीज ट्रायंगल्स इज स्मॉलर देन दिस वन एरिया, दिस रेक्टेंगल एरिया, तो हम कहेंगे ट्रेड डाइवर्जन रिजल्ट्स इन अ नेट सोशल लॉस। तो दीज आर द स्टैटिक इफेक्ट्स ऑफ कस्टम यूनियन, ट्रेड डाइवर्जन एंड ट्रेड क्रिएशन। थैंक यू वेरी मच।